हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो अभी तक इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 2 किया था, उन सब में हमें दो ट्राइंगल मिल रहे थे। अब यहाँ पर एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, देन 2AC स्क्वायर चाहिए, मीन्स इसी साइड को हमें दो बार स्क्वायर में लिखना है। तो ये हम कैसे करेंगे? हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये राइट एंगल है और इसके हमें दो पार्ट नहीं करने पड़े हैं, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हमें जो प्रूफ करना होगा बहुत ईजिली वो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। Given that triangle ABC is an isosceles triangle, such that, क्योंकि हमें पता है isosceles triangle में दो साइड सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी साइड सेम होगी? तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस ही होती है। तो ये साइड तो बड़ी होगी, ये किसी के इक्वल नहीं होगी, तो दो बची ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, सच दैट AC इज इक्वल टू BC एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर AB है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड, AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान लीजिए यहाँ पर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें AC चाहिए बट BC नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, BC को AC के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है BC AC के इक्वल है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC की जगह हमने AC लिखा और इसका स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ऐड करेंगे 2AC स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बेस्ड है कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि उसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसकी हमें मेजरमेंट दे रखा है 2A। तो यहाँ पर ये सभी साइड क्या हैं, 2A हैं, यहाँ पर ये पूरी साइड 2A है। हम जानते हैं कि जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो जिस साइड पर वो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको वो बाइसेक्ट कर देती है, मींस BD इक्वल हो जाएगा यहाँ पर CD के, क्योंकि AD परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ रहा है BC साइड पर, तो BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अगर ये पूरा 2A था तो ये इतना हिस्सा A हो जाएगा और ये भी इतना हिस्सा A हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि एल्टीट्यूड क्या है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है अगर ये A है और ये 2A है, तो यहाँ पर अगर आप इस साइड को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को, या आप इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगी। इसे अगर हम बेस लेट कर लें तो एल्टीट्यूड जो कि परपेंडिकुलर है इसे हमें फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि ये इक्वल क्यों है, एक्चुअल में ये बाइसेक्ट क्यों हो रहा है। गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल
ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, सभी साइड 2a हैं. वी नो दैट द एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड दैट्स वाई हमने इसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांट लिया है. देन बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा जिसे हमने ए लिख लिया है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, ये हाइपोटेनस है. बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है. हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के. पाइथागोरस थ्योरम को हमने पूरी तरह से प्रूफ करके दिखाया था, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, मगर पाइथागोरस थ्योरम अभी भी आपके सिलेबस में है. यहाँ पर ए बी की साइड हमें 2a दे रखी है, इसका स्क्वायर बी डी ए है प्लस ए डी स्क्वायर. इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन इस तरह से आप करेंगे 2a मल्टीप्लाई 2a, तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, और a से a का मल्टीप्लाई होने पे a का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर 4a स्क्वायर आएगा. देन ये a स्क्वायर है प्लस ए डी स्क्वायर. अगर हम a स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करें तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर. हमें ए डी की वैल्यू चाहिए, तो ए डी स्क्वायर हमने लिखा 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि अगर इस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है तो कोफिशियंट हम 1 समझते हैं, तो 4 में से 1 अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 3a स्क्वायर हो जाएगा. अब हमें ए डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मीन्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए थी यहाँ पर. तो स्क्वायर को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, ए डी इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर. और यहाँ हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हम लेंथ ले रहे हैं किसी साइड की, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है. तो यहाँ पर अगर आप उस साइन को नहीं दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं. ए डी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट के अंदर रहेगा. ए प्रोडक्ट में बन सकता है, अगर हम ए को यहाँ प्रोडक्ट में लिखें ए मल्टीप्लाई ए, तो ये पेयरिंग बन रही है, और रूट के अंदर जिसकी पेयरिंग बनती है उसको हम बाहर रूट के लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ए हम बाहर लिख सकते हैं और रूट 3, चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रूट 3, और ए को थोड़ी दूर पे लिखिएगा ताकि ये साफ साफ हमें समझ में आए कि ए जो है वो रूट के अंदर अब नहीं है. तो यही हमें साइड इसकी पता करनी थी. क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल. तो हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पर हमें रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से भी पता हैं. हम ये जानते हैं कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल्स होती हैं, और इसके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ध्यान रखिएगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, मीन्स सेंटर पे ये जितने भी एंगल होंगे ये सब 90 डिग्री के बन रहे होंगे, और सभी साइड इसकी इक्वल है, मीन्स ए बी बराबर बी सी, सी डी और डी ए, ये सारी साइड इक्वल हैं. और हमने कहा कि ये डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, मीन्स यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ओ लेट कर लेते हैं तो ओ ए इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ डी इक्वल होगा ओ बी के. तो इतनी प्रॉपर्टी हमें पता है, इसको हम यहाँ पर
मेंशन कर देंगे। लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी या ओ बी इज इक्वल टू ओ डी लिख लीजिए, एक ही बात है। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इतना हमें मेंशन करके बताना है, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, हमें इसको दिखाना होगा। देन इसमें हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में, तो हमें प्रूफ क्या करना है हम उसको लिख लेते हैं। टू प्रूव, इन्होंने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, मीन्स जितनी भी साइड हैं उनके स्क्वायर का सम, तो हम लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद ये इनका स्क्वायर का सम इक्वल है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो इसमें दो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रूविंग। क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है और हमें इन सभी साइड को लेकर चलना है, तो हम ये जितने भी हमें चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्योंकि इस डायगोनल की वजह से हमारे पास चार ट्रायंगल बन गए हैं, तो हम इन चारों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसकी सभी साइड हमें यहाँ पर चाहिए। और जो प्रूफ करना है इस साइड पे, उसमें हमें ये डायगोनल चाहिए, तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाली साइड भी आ जाएगी, जो कि ए ओ ओ सी मिलकर पूरा ए सी डायगोनल बना लेगा। सिमिलरली इस तरह से ये भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि ये चारों ही ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी 90 डिग्री बन रहे हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो इसको हम पहले लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और बेस आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन वन हो गई। सिमिलरली ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे बी ओ सी, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट वाली साइड ये बी सी जो कि हाइपोटेनस होगी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। देन ये वाला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल सी ओ डी बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके 90 के अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी और ओ डी के स्क्वायर के, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। देन लास्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ओ ए, या ए ओ डी भी लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके अपोजिट साइड 90 डिग्री के ए डी है, इसको हम लिख लेते हैं डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, मीन्स जितनी भी चार इक्वेशन हमने बनाई हैं उसके लेफ्ट पार्ट को हम इधर ऐड करेंगे और राइट पार्ट को आपस में ऐड कर लेंगे। देन राइट वाले पार्ट को ऐड करेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ये वाली साइड तो ऐसे ही चलेगी, इसको हम लास्ट में कॉपी कर लेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर 2 times है, इसी तरह से ओ बी भी 2 है और ओ डी ओ सी भी 2 हैं, तो ये सब 2 बार हैं, हम 2 कॉमन ले ले रहे हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रूविंग में ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी नहीं चाहिए बल्कि हमें पूरा ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल चाहिए, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, तो हम इनकी जगह पर किसी एक का नाम लिख लेंगे, सेम कर लेंगे। ओ ए स्क्वायर ओ ए के इक्वल में ओ सी था तो हम इसकी जगह पर ओ ए लिख लेंगे, ओ बी स्क्वायर को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ओ सी की जगह ओ ए लिख देते हैं स्क्वायर, और ओ बी के इक्वल ओ डी था तो ओ डी की जगह हम ओ बी ही लिख ले रहे हैं। देन यहाँ से फिर 2 ओ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 हम फिर कॉमन ले लेंगे तो बाहर जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे दोनों से तो 2 2 4 हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ओ ए क्या है, ए सी का हाफ है, ए सी पूरा जो डायगोनल था हमारा उसका आधा हिस्सा ओ ए था और आधा हिस्सा ओ सी था, तो ओ ए की जगह अगर हमें पूरा डायगोनल लिखना है, क्योंकि हमें प्रूविंग में डायगोनल को लिखना है, तो ए सी का हमें हाफ लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें पूरा बी डी डायगोनल लिखना है तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी का हाफ, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओ ए ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन 2 और इसका पूरा स्क्वायर करना है, प्लस ओ बी की जगह लिख सकते हैं हम बी डी अपॉन में 2 और इसका पूरे का स्क्वायर 4, अंदर हम स्क्वायर करते हैं, ए सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 प्लस बी डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, नीचे एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यही एलसीएम आने वाला है, ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन में 4, इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है। लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, तो ये कंप्लीट होती है आपकी प्रूविंग। आई होप आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं कह रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रूविंग वाले वो सब आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।